चांडिल प्रखंड के डिमुडी में ग्राम सभा का बैठक संपन्न हुआ। बैठक में तीन गांव के लोग उपस्थित थे। डिमुडी, बोराबिंदा, केसरगढ़िया के लोग उपस्थित थे। साथ ही ये बैठक डिमुडी में संपन्न हुआ। डिमुडी ग्रामीण मोकरा सोरेन ने बताया, चांडिल डैम आइलैंड पर्यटन स्थल बनने जा रहा है। आज हम लोग का तीन गांव का यहां पर बैठक हुआ, जिसमें डिमुडी, बोराबिंदा, केसरगढ़िया। जैसे कि चांडिल डैम में पर्यटक स्थल आइलैंड के लिए जो जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है, उसके विरोध में हम लोग के ग्राम सभा के बिना अनुमति से यहाँ पर हम लोग को कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पर क्या प्रोजेक्ट बन रहा है। हम लोग की सोशल मीडिया के द्वारा हम लोग को पता चल रहा है। पर्यटन स्थल यहाँ ना बने, इसके लिए ग्राम सभा ने निर्णय लिया है कि यहाँ पर क्या प्रोजेक्ट बन रहा है। हम लोग की सोशल मीडिया के द्वारा हम लोग को पता चल रहा है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर आज बैठक किए। इससे पहले भी किए थे, तो मैं कहना चाहता हूँ हम लोग के बिना, ग्रामीणों के अनुमति के बिना हम लोग यहाँ पर्यटक स्थल बनने नहीं देंगे। इस चांडिल डैम निर्माण के कारण यहाँ के 184 मौजा के लोगों को विस्थापन होना पड़ा है। विकास के नाम पर बना चांडिल डैम ने यहाँ के लोगों को ही विस्थापन कर दिया। यहाँ के लोग कहाँ गए, उनका अता पता नहीं है। यहाँ गाँव बिखरे, खेत खलियान डूबा, घर डूबा, एक परिवार के भाई बिछड़े। यहाँ के आदिवासियों का पारंपरिक सुशासन व्यवस्था ध्वस्त हुआ इस चांडिल डैम के कारण। औने पौने दाम में आदिवासियों का जमीन लिया गया, इतना होने के बावजूद भी यहाँ के लोगों का विकास नसीब नहीं हुआ। डिमुडी के मोकरा सोरेन कहते हैं, चांडिल डैम से विस्थापन होकर जंगलों को साफ कर यहां हम बसे हैं। यहां से भी भगाने के लिए पर्यटन स्थल के नाम पर हमें यहां से भी विस्थापन करने की एक षड्यंत्र बताया। सोरेन ने कहा, विकास के उद्देश्य से तो बना, लेकिन यहां के लोगों का विकास नहीं हुआ। क्योंकि हम लोग को पहले विस्थापित किया है चांडिल डैम से, जैसे कि, और अभी हम लोग उसके किनारे में घर बनाए हैं, तो फिर से वहां से हम लोग को विस्थापित कर रहा है। और बहुत पहले हम लोग का पेमेंट हुआ था डैम का, हम लोग को पैदा भी नहीं हुए थे, तो अभी डैम बन गया है। अभी हम लोग नदी किनारे, चांडिल डैम के किनारे हम लोग घर बनाए हुए हैं। अभी सरकार यहाँ पर पर्यटक स्थल विनाश के नाम पर यहाँ पर ला रहा है कि पर्यटक स्थल बनेगा, और यहाँ से भी फिर से विस्थापित करना चाहता है हम लोग को, फिर यहाँ से भागना चाहता है। तो सरकार का क्या मंशा है हम लोग को बताएं, क्योंकि विस्थापित तो एक बार किया है, बार बार विस्थापित कर रहे हैं। हम लोग को जीने का अधिकार है कि नहीं, हम लोग को जीने देना चाहता है कि नहीं चाहता है, ये मैं बोलना चाहता हूँ। झारखंड सरकार को उसे निवेदन करना चाहता हूँ, विकास के नाम पर विनाश नहीं हो। तो पर्यटन स्थल से कैसे विकास होगा या किसका विकास होगा? विकास के नाम पर बना चांडिल डैम, लेकिन रोजगार नहीं होने के कारण यहाँ के युवा लगभग 60% पलायन कर चुके हैं। 60% से ज्यादा यहाँ से पलायन कर गए हैं, अभी जो देख रहे हैं जितना, इससे बहुत ज्यादा अभी भी है। अभी भी हमारे गाँव से आधा जितना भी युवा देख रहे हैं ना, आधा परसेंट युवा सब बाहर में काम कर रहा है, सब बाहर में काम कर रहा है, यहाँ गाँव बोल के यहाँ आ रहा है। समय पे जब भी, मतलब क्या, भी कुछ बीमारी के वजह से कुछ भी घर में कुछ असुविधा हो रहा था, समय पे यहाँ पे पहुँच भी नहीं पा रहा है, क्या करेंगे हम लोग को। ऐसे भी हम लोग यहाँ से रोजगार की तलाश में झारखंड से विदेश जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, दूसरे राज्य में जा रहे हैं, वहाँ जाके बंधक भी बन रहा है, बहुत मजबूरी है, फिर हम लोग को यहाँ से भगाने का कोशिश कर रहे हैं सरकार। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, आगे कहते हैं, चांडिल डैम के पानी से ओडिशा के अलावा कहीं दूसरे के उद्योगों को पानी मिल रहा है और करोड़ों का रोजगार हो रहा है, लेकिन जिनका जमीन है वही बेरोजगार है। तो एक बार किया है, बार बार विस्थापित कर रहे हैं, हम लोग को जीने का अधिकार है कि नहीं, हम लोग को जीने देना चाहता है कि नहीं चाहता है, ये मैं बोलना चाहता हूँ। झारखंड सरकार को उसे निवेदन करना चाहता हूँ, विकास के नाम पर विनाश नहीं हो। हम लोग कहाँ जाएं, हमें लोग झारखंड का भूमि पुत्र है, इस मिट्टी के पैदा हुए हैं, और यहाँ से हम लोग को मतलब फिर से विस्थापित कितना बार विस्थापित होंगे। हम लोग का अभी घर ने, हम लोग बंजारा जैसा भी जिंदगी जीने के लिए सरकार मंशा रह रही है कि हम लोग को जीने नहीं दे रही है।
इन सब को देखते हुए तीन गांव के लोग इस पर्यटन स्थल का विरोध कर रहे हैं। यहां के लोगों का कहना है पर्यटन स्थल बनने से यहां के आदिवासी बंजारा बन जाएंगे। यहां के लोग पर्यटन स्थल के खिलाफ में आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। पर्यटक स्थल नहीं बनने देंगे, आज हम लोग का यहाँ बिमोडी केसरगढ़िया और बुरहाबिंदा तीन ग्राम दूसरा बैठक है। ये बैठक हम लोग का विशेष समस्या के लिए हम लोग को बैठक करना पड़ा, जो क्योंकि 2018 में इस तरह का माने षडयंत्र पदाधिकारी कर्मचारी और बिचौलिया मिल के षडयंत्र रच रहा था। उस समय हम लोग बहुत भरपूर विरोध, हम लोग SDO उपायुक्त सबको लिखित शिकायत किए, अनुमंडल पदाधिकारी उपायुक्त और तमाम पदाधिकारी को लिखित शिकायत किए, तब जाके हम लोग का यहाँ रद्द हो। अभी प्रेस वार्ता के माध्यम से हम लोग देखे कि माने ये बुरहाबिंदा चांडिल डैम के आसपास बुरहाबिंदा डिमोडी केसरगढ़िया में फिर भी आइलैंड पर्यटन स्थल का निरीक्षण किया और भूमि अधिग्रहण का लोग षडयंत्र रच चुके हैं। आज हम लोग 2018 से विरोध करते आ रहे हैं और विरोध करते ही जाएंगे। ये चांडिल डैम बहु उद्देश्य परियोजना, लेकिन यहाँ के पदाधिकारी कर्मचारी और दलाल माने बहुत उद्देश्य लेके यहाँ विकास का नाम पर लूट रहा है। आज देखें विकास का नाम पर कोई योजना अधूरा है, उसमें हम लोग लिखित शिकायत भी किए, अभी तक जांच पड़ताल नहीं हुआ। यहाँ अरबों खरबों का माने बजट दे रहा है सरकार पर्यटन में, ये नौकायन में, मत्स्य में, अभी तक जांच पड़ताल नहीं, क्योंकि यहाँ विकास का नाम पर लूट का लूट ही योजना बन रहा है। आज जितना भी 2015 से कार्यपालक अभियंता है उन लोगों का अगर संपत्ति जांच किया जाएगा सब करोड़पति बन चुके हैं। जैसे पानला नहर डैम का केनल अभी तक 2 किलोमीटर बाकी है और टूट फूट कर ख़त्म हो गया। चांडिल डैम रोड 2 साल में 2 बार बना, एक बार आधा और एक बार आधा। इधर पावर ग्रिड के सामने, पावर हाइड्रल के सामने, वहाँ 97 लाख का माने गार्डन, वो 100 ट्रैक्टर भी माल नहीं गिरा है। नदी के किनारे सुंदरीकरण, नदी का 150 बोल्डर से सुंदरीकरण किया गया है और चांडिल डैम के निचले हिस्से में जो 2,54,55 लाख का योजना बन रहा है वो भी माने आधा अधूरा है। दिन में रोड गिर रहा है, रात को उठा पटा के ले जा रहा है। उतना 2,54,55 लाख का योजना में 2 टन भी माल में रोड नहीं दिया गया है। ऐसा बहुत षडयंत्र है, ये विनाशकारी योजना हम लोग यहाँ बनने नहीं देंगे। तीनों ग्राम का ग्रामीण निर्णय लिया गया है, अभी हम लोग फिर करो या मरो। मुख्यमंत्री को भी लिखित शिकायत करेंगे, जल संसाधन विभाग के तमाम पदाधिकारी को लिखित शिकायत करेंगे, अनुमंडल पदाधिकारी को लिखित शिकायत करेंगे, उपायुक्त महोदय को भी लिखित शिकायत करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ बिना ग्राम सभा का अनुमति लिए हुए हम लोग यहाँ नहीं बने देंगे। आज हम लोग का तीन गाँव का यहाँ पर बैठक हुआ, जिसमें डिमुडी, बुरहाबिंदा, केसरगढ़िया। जैसे कि चांडिल डैम में पर्यटक स्थल आइलैंड के लिए जो जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है उसके विरोध में हम लोग के ग्राम सभा के बिना अनुमति से यहाँ पर हम लोग को कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पर क्या प्रोजेक्ट बन रहा है। हम लोग की सोशल मीडिया के द्वारा हम लोग को पता चल रहा है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर आज बैठक किए, इससे पहले भी किए थे। तो मैं कहना चाहता हूँ हम लोग के बिना ग्रामीणों के अनुमति के बिना हम लोग यहाँ पर्यटक स्थल बनने नहीं देंगे। कम मात्रा में हम लोग को मुआवजा मिला था, जो उस समय हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, आज से 30-35 साल पहले की बात है हम लोग का। हाँ, जैसे पिताजी लोग को मिला था उसमें बहुत ही कम रेट में दिया गया था, 12,000-9,000 एकड़ में 12,000-9,000 रुपया दिया था उस समय। जैसे वो खा पी के सब खत्म कर दिया उस समय। अभी हम लोग जो बच्चे लोग हैं हम लोग झेल रहे हैं, हम लोग का अभी जीना दुर्बर हो गया है, कैसे जियेंगे अभी। देखो मैं झारखंड सरकार से यही कहना चाहता हूँ,
जब आप रोजगार नहीं दे सकते हैं तो फिर भगाने का क्यों कोशिश कर रहे हैं। 60% से ज़्यादा यहाँ से अप्लायन कर गया है, अभी जो देख रहे हैं जितना, इससे बहुत ज़्यादा अभी भी है। अभी भी हमारे गांव से आधा जितना भी युवा देख रहे हैं ना, 0.5% युवा सब बाहर में काम कर रहा है, सब बाहर में काम कर रहा है, यहाँ गांव बोल के यहाँ आ रहा है। समय पे जब भी मतलब क्या भी, कुछ बीमारी के वजह से कुछ भी घर में कुछ असुविधा हो रहा है तो समय पे यहाँ पे पहुँच भी नहीं पा रहा है, क्या करेंगे हम लोग को। ऐसे भी हम लोग यहाँ से रोजगार की तलाश में झारखंड से विदेश जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, दूसरे राज्य में जा रहे हैं, वहाँ जाके बंधक भी बन रहा है, बहुत मजबूरी है, फिर हम लोग को यहाँ से भगाने का कोशिश कर रहा है सरकार।